हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर। इस पनीर को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। भले ही मैंने इसे सिंपल तरीके से बनाया हो, पर इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने कढ़ाई गरम कर ली, उसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सरसों तेल। सरसों तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें एक चम्मच जीरा डाल दूँगी। तो जीरा डालने के बाद जैसे ही जीरा पॉप्ड हो जाएगा ना, तो मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ का, पतले स्लाइस में काट के। तो अब प्याज को ना फुल फ्लेम पर पूरे 1 मिनट के लिए पहले मैं भून लूँगी, तब मैं इसमें टमाटर को ऐड करूँगी। तो टमाटर ना मैंने 2 मीडियम साइज़ का लिया, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। फिर मैं डाल रही हूँ खड़े गर्म मसाले। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी तेज़पत्ता, 1-2 तेज़पत्ता डाला है मैंने, और ये मैं 1 इंच अदरक ले रही हूँ, और 10-12 दाने हैं लहसुन के। तो इन सारी चीज़ों को मैं ना थोड़ी देर के लिए फुल फ्लेम पर भूनूंगी। थोड़ी देर के बाद जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब मैं इसमें 15 से 16 काजू के पीसेस डाल दूंगी। काजू के पीसेस डालने के बाद इसे अब फुल फ्लेम पर ही थोड़ी देर के लिए भूनना है। मतलब सारी चीज़ों को गलाना नहीं है, बस अच्छे से भून लेना है और इसकी सारी नमी निकल जाए। ये देखिए, इसका टेक्स्चर ऐसा होना चाहिए, मतलब ये बहुत अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब ये सारी चीज़ें ना ठंडी हो चुकी है, तो मैं इसे मिक्सर जार में डाल दूंगी और इसका मैं बहुत ही अच्छा एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊंगी। मतलब कि इन मसालों का एक पतला सा फाइन पेस्ट बनाना है। मसालों को पीसने के बाद हम इसे छानेंगे। पतला पेस्ट इसलिए बनाना है कि छानने में हमें आसानी हो। इस मसालों के पेस्ट को छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छान लेने से टमाटर के छिलके और जो अदरक वगैरह के जो रेशे होते हैं ना, वो निकल जाएंगे, जिससे कि जब हम ग्रेवी बनाएंगे ना, तो उसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो वो रेशे वगैरह ना थोड़ा सा मुँह में जाएंगे तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे उस टेस्ट को। इन मसालों को छान लेने से इसके जो एक्स्ट्रा रेशे वगैरह थे ना, ये देखिए, ये बहुत अच्छे से निकल गए। इन रेशों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मसालों का पेस्ट हमारा तैयार है। तो चलते हैं पनीर भून लेते हैं। पहले तो पनीर को मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटा और उसमें नमक डालकर और इसे मैंने बटर में थोड़ा सा भूना है, थोड़ा सा बटर डाल के। तो इसे फुल फ्लेम पे मैं फटाफट भून रही हूँ ताकि हमारी सब्ज़ी जल्दी बन जाए। तो भून लेने के बाद अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फिर मैं अब इसमें इसी कढ़ाई में मसालों को भूनूंगी। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें ये मसालों को मैं डाल दूँगी। ये थोड़े पतले मसाले हैं, तो जब ये मसाला थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना, तब मैं इसमें मिर्ची पाउडर और जो हम लोग रेगुलर सब्जी मसाला खाते हैं ना, वो मैंने डाला हुआ है, जैसे धनिया जीरा का पाउडर और ये कसूरी मेथी डालकर अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि जो मसाले हैं ना अपना तेल रिलीज़ करे और ये भून जाए। ये देखिए, मसालों ने अपना तेल रिलीज़ कर दिया, मतलब ये मसाले अब लगभग भून चुके हैं। थोड़ी देर इसे और लगेगा भूनने में। इस शाही पनीर की ग्रेवी में ना मैंने हल्दी ऐड नहीं करी है क्योंकि हल्दी ऐड करने से इसमें ज़्यादा पीलापन आ जाएगा और हमें इसका एक क्रीमी कलर चाहिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम। ये जो दूध में मलाई पड़ती है ना, बस ये वही है। इसे मैंने फेंट लिया है और इसमें मैंने आधी कटोरी डाल दिया है। तो क्रीम डालने से ना इस ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा क्रीमी आ जाता है। तो हल्दी मैंने इसीलिए नहीं डाली है, इसका कलर हमें क्रीमी चाहिए। अगर हल्दी डाल देते तो इसमें पीलापन ज़्यादा आ जाता। अगर और ज़्यादा क्रीमी कलर और लाइट कलर चाहिए ना आपको इस ग्रेवी की, तो थोड़ा सा क्रीम आप इसमें और ऐड करें। तो देखिए, मसालों ने अपना तेल रिलीज़ कर दिया। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बस। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, हमें इसकी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक पहले मैंने नहीं डाला था, अब मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। और मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है। अगर चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दें, तो जिससे थोड़ी सी मिठास से ना इस ग्रेवी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो जब इसमें 1-2 उबाल आ जाएगा ना, तब मैं इसमें डाल दूंगी भुने हुए पनीर को। पनीर डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ठीक होने दिया है पनीर के साथ। अब ये पनीर सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी बनी है। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा क्रीम यूज़ किया है ऊपर से, थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो दोस्तों, ये सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस रेसिपी को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपका थैंक यू।